नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जब मार्केट नीचे जा रही है तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता हूँ? यदि हाँ तो किन स्टॉक्स में मैं निवेश करूँ? तो दोस्तों, इस तरह की काफ़ी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में मिलती हैं, तो इन क्वेरीज का आंसर जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये साइक्लिकल और डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। जब मार्केट बुल फेज में हो तो हमें किन तरह के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, जब मार्केट बियर फेज में हो तो हमें किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आप आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं। जैसे इनका नाम बता रहा है, ये इकोनॉमी की साइकिल के हिसाब से मूव करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे जा रही है तो ये स्टॉक्स भी नीचे आ जाएंगे। तो जो इकोनॉमी का ट्रेंड होता है या जो भी इकोनॉमिक ट्रेंड होता है, ये उसके हिसाब से मूव करते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, बूमिंग होती है, उस समय इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही और इकोनॉमी एक स्लगिश फेज में है, तो उस समय इन स्टॉक्स का रिटर्न काफी कम हो जाता है। तो यहां पे कुछ एग्जांपल हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, आपका कंज्यूमर गुड्स हो गया, या आपका ट्रेवल सेक्टर हो गया, या शॉपिंग से रिलेटेड जो कंपनी है, ये सब जो सेक्टर्स या एरियाज हैं दोस्तों, ये साइक्लिकल सेक्टर्स हैं या इनके जो स्टॉक्स हैं वो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं। तो जब भी इकॉनमी ग्रो करेगी तभी इन स्टॉक्स के अंदर तेजी देखी जा सकती है। अगर इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो इन स्टॉक के अंदर आपको बहुत कम रिटर्न मिलेंगे। तो यहां पे अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर, अगर मान लीजिए इकॉनमी अच्छा कर रही है, इसका मतलब जो लोग हैं उनके पास पैसा है खर्च करने के लिए, वो अपने करियर में प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनको अच्छा हाइक मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वो इन सेक्टर्स के ऊपर तभी स्पेंड करते हैं जब इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब मार्केट में रिसेशन आता है तो लोग ये जो इन सेक्टर्स के अंदर अपनी जो स्पेंडिंग है वो कम कर देते हैं, और उस समय जो ये सेक्टर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते। क्योंकि दोस्तों, अगर इकॉनमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तो वहाँ पे जॉब लॉस होता है, या जो लोग जॉब में रहते भी हैं उनको इतना हाइक नहीं मिलता, तो वहाँ पे लोग जो हैं अपने खर्चा जो है वो कम कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक्स हैं ये बुल रन में नॉर्मली बाई किए जाते हैं जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद होती है कि अगर इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। दोस्तों, एक और इनका जो फीचर होता है या करेक्टरिस्टिक होता है इन स्टॉक्स का, ये हाई स्टॉक्स होते हैं नॉर्मली। तो दोस्तों, एज ए निवेशक मैं साइक्लिकल स्टॉक्स को तभी प्रेफर करूंगा जब मुझे लगा कि इकॉनमी अपने बॉटम पे है और यहां से टर्न अराउंड हो सकता है इकॉनमी का, और उस केस में जो भी आपके साइक्लिकल स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब इकॉनमी पीक पे आ जाएगी, जहां से हमें लगेगा कि अब यहां पे इकॉनमी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है, यहां से इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, वहां पे मैं इन स्टॉक्स में से एग्जिट कर दूंगा। दोस्तों, आखिरी बात जो मैं आपको पहले वाले कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि हर व्यक्ति की एक नीड होती है, एक वांट होती है, एक डिज़ायर होती है, ये एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन होती है। तो ये जो कंपनीज हैं या ये जो स्टॉक्स हैं साइक्लिकल स्टॉक्स, ये जो ह्यूमन बीइंग की वांट और डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि जैसे नीड, मेरी नीड तो है मान लीजिए टू व्हीलर की, लेकिन मेरी वांट है फोर व्हीलर की। तो जब मेरे पास पैसा होगा, तो जब मेरी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वहाँ पे मैं अपनी जो वांट है उसको पूरा करूँगा, और वहाँ पे शायद मैं अपने टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे अपग्रेड हो जाऊँगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इकॉनमी बूम कर रही होती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स पे। तो दोस्तों, डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जिनका इकॉनमी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली ये आपकी नीड को फुलफिल करते हैं। नीड का मतलब कि जैसे मुझे अपने जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इकॉनमी चाहे कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, मैं उन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जैसे मुझे मान लीजिए नहाने के लिए साबुन चाहिए, तेल चाहिए, तो घर में जो खाने पीने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, बिस्किट, आटा, ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहे इकॉनमी अच्छा कर रही है चाहे इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। उसके अलावा अगर मान लीजिए मैं बीमार हो जाता हूँ, मुझे कहीं पे कोई दवाई खरीदनी है, तो वो खर्चे भी मैं अपने कट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं ये नीड बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, ये जो ह्यूमन बींग की बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। अब इसलिए कहा जाता है कि जो FMCG कंपनीज़ हैं दोस्तों, जो आपका तेल, साबुन, ये सब चीज़ें बेचती हैं, उनको डिफेंसिव
एक्सपेंसिव स्टॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदमी अपना खर्चा उन प्रोडक्ट्स में कभी भी कम नहीं कर पाएगा, चाहे मार्केट कैसा भी परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं वो है FMCG, फार्मा, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या है दोस्तों, अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, मुझे उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो है, चाहे इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि अगर इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती तो जो लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, टेंशन की वजह से या और भी कई कारण होते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। तो वहाँ पे आपका जो दवाइयों का खर्चा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो कंपनीज हैं दोस्तों, जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, ये चाहे इकॉनमी कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, ये जो कंपनीज हैं ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर होती हैं। तो दोस्तों इन कंपनीज के जो स्टॉक हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी इकॉनमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इनके स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, या अगर इकॉनमी बेकार परफॉर्म कर रही है तो इनके स्टॉक्स बिल्कुल गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि इकॉनमी अगर ऊपर जा रही है तो लोग ज़्यादा साबुन खरीदना शुरू कर देंगे या ज़्यादा हेयर ऑयल खरीदना शुरू कर देंगे या ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। वो हो सकता है कि बाहर जाके ज़्यादा खाना शुरू कर दें, लेकिन जो घर में जो डेली रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कंजम्पशन लगभग सेम रहती है। तो ये मैंने अपने केस में भी देखा है। तो जो मेरी जो रोज़मर्रा की कंजम्पशन की चीज़ें हैं, जो मेरा बेसिक नीड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है दोस्तों, वो इकॉनमी चाहे कैसा ही परफॉर्म कर रही हो वो लगभग एक कंसिस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता। तो दोस्तों ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, अगर मार्केट एक बियर फेज में हो या इकॉनमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हो तो उस समय इन स्टॉक्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरेंगे और इनके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो एक कंसिस्टेंट रहेगी, उसके अंदर आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर मार्केट गिर रही होती है तो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं वो डिफेंसिव स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब भी इकॉनमी अपने पीक से नीचे आना शुरू करती है तो उस समय जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो के अंदर साइक्लिकल स्टॉक्स का एक्सपोजर कम कर देते हैं और डिफेंसिव स्टॉक्स का एक्सपोजर इंक्रीज कर देते हैं। तो जब मार्केट बॉटम आउट हो जाती है या इकॉनमी बॉटम आउट हो जाती है, उस समय वो लोग अपना डिफेंसिव स्टॉक्स का एक्सपोजर कम कर देते हैं और साइक्लिकल स्टॉक्स का एक्सपोजर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इकॉनमी कब पीक कर गई है और किस समय इकॉनमी बॉटम आउट हो गई है। तो जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है लंबी अवधि के हिसाब से, वहां पे आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो साइक्लिकल और डिफेंसिव स्टॉक्स के बीच, और जिस तरह से इकॉनमी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने परसेंट साइक्लिकल स्टॉक्स रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में और कितने प्रतिशत आपको डिफेंसिव स्टॉक्स रखने हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि मार्केट जब नीचे जा रही हो तो किन तरह के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, उसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी। तो इस समय जो काफी निवेशक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट में स्लो डाउन आ सकता है, तो उस समय बेहतर यही होगा कि आप साइक्लिकल स्टॉक्स के अंदर अपना जो निवेश है उसको कम करके उनको डिफेंसिव स्टॉक्स में इंक्रीज कर सकते हैं। मे भी हो सकता है ये कारण हो कि जो काफी एनालिस्ट हैं वो फार्मा स्टॉक्स के ऊपर काफी बुलिश हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप पे या मोबाइल पे मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया, आप उसे जरूर पढ़ लें। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। इसके अंदर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी सेक्टर में, स्टॉक में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें और उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।